हाल चाल है जी। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मौसम बहुत ही अच्छा है। बेसिकली कभी भी बारिश आ सकती है और इस बारिश वाले मौसम में, मतलब इतने सेक्सी मौसम में बेसिकली मैं बाहर निकल आया हूँ। कहाँ निकल आया हूँ? चंडीगढ़ में। और चंडीगढ़ में एक ऐसी जगह में जहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर भैया हर जगह सेल्फी पॉइंट्स बने हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग 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 कारीगरी की है। आई एम इन रॉक गार्डन राइट नाउ और आज करेंगे एक्सप्लोर रॉक गार्डन और पूरा घुमाऊंगा आपको, कोशिश करूँगा अनकट घुमाने की। और यहाँ की जो ब्यूटी है जो नेक चंद जी ने बनाई थी कई सालों पहले, उसको घुमाने की कोशिश करूँगा। तो बस फिर स्वागत है जी एक बार फिर से आपका सबका बजूका वर्ल्ड में। मैं हूँ मनीष। सो करें फिर रॉक आज का व्लॉग विद सेइंग लेट्स व्लॉग। सबसे पहले यार जो भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए बता दूँ यार, एंट्री टिकट 30 रुपये एडल्ट और 10 रुपये बच्चों की। और अंदर घुसते ही भैया ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, और ऊपर मौसम देखिए। बेसिकली ये जो रॉक गार्डन का था ये मैंने किसी और दिन शूट करना था, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा हुआ, इतना सेक्सी हुआ और मेरा दिल किया यार अभी गाड़ी उठाओ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ में था। तो मैंने कहा चल यार अभी शूट कर लेता हूँ, देखता हूँ बारिश आ गई तो किस्मत है, नहीं आई तब भी अच्छा है। पर मौसम देखो यार, देखो पत्ते पेड़। बज चुके हैं 4:54, मतलब कि 6 बजे आई थिंक इनकी एंट्री क्लोज हो जाती है और 7 बजे सबको बाहर निकलना पड़ता है, 7, सवा 7 के आसपास। और बहुत ही खूबसूरत होने वाला है ये टूर। नेक चंद जी के बारे में बताता रहूँगा, लेकिन आप देखिए यार कारीगरी देखिए। इस रॉक गार्डन को नेक चंद गार्डन भी कहा जाता है। बेसिकली पूरा का पूरा रॉक गार्डन 40 एकड़ में फैला हुआ है। वैसे तो बहुत सारे लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम, ये इंडस्ट्रियल वेस्ट और होम वेस्ट में जो वेस्टेज वाली आइटम्स है उन सब से बनी हुई चीज़ों से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बॉटल, ग्लासेस, इलेक्ट्रिक वेस्ट, प्लेट्स, पता नहीं क्या क्या यूज़ किया और ये सब कुछ यूज़ करके क्या बनाई है खूबसूरत गार्डन विच इज़ कॉल्ड रॉक गार्डन। नेक चंद जी को सल्यूट। ज़्यादातर बातें रॉक गार्डन की आपको गूगल में सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको बता दूं यार ये एक डेंस फॉरेस्ट होता था और नेक चंद जी उस टाइम जॉब भी करते थे। जॉब करते करते उन्होंने तकरीबन 18 साल यहाँ पर अपनी कारीगरी करनी शुरू की और जब ये पब्लिक के सामने आया, पब्लिक का सपोर्ट मिला, तो ये बन गया एक ऐतिहासिक रॉक गार्डन। ये घड़े यूज़ किए हैं भैया, ये देखिए भैया, ये इलेक्ट्रिक समथिंग जो बिजली की चीज़ें होती हैं उसको यूज़ किए हैं। मेरे को नहीं मालूम ये क्या कहते हैं इसको एग्जैक्टली। ये पत्थर, ये टॉयलेट टाइल्स, जो भी वेस्टेज था उसको इकट्ठा करके लाने का और यहाँ आके बनाने का। घड़े जो यूज थे उनको रीयूज करके एक अच्छी सी कारीगरी बनाने की कोशिश की गई है। और ये देखो यार, ये पत्थर, पत्थर देखो, दीवार देखो। सब कुछ ही बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये देखिए अच्छा, ये बेसिकली क्या है कि ये वही हट है जहाँ पर नेक चंद जी स्टे करते थे और यहीं से अपना बेस बना रखा था इस जंगल के बीच पे और यहीं से सारी कारीगरी निकलती थी। वेस्ट लाके यहाँ पर इकट्ठा करते थे आसपास किसी जगह में और उसके बाद आसपास जितने भी चीज़ें उनको सजाते थे, निखारते थे और बनाते थे। अरे वाह, अरे बाप रे। आपको कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं पहाड़ों के बीच में घूम रहा हूँ? पर पहाड़ों के बीच में नहीं घूम रहा, रॉक गार्डन घूम रहा हूँ। ये टोटल पहाड़ों वाला इफेक्ट, झरना बह रहा है, गुफाएं ही गुफाएं। तो देखिए यार यहाँ पर अगर पोर्ट्रेट बनाने हैं तो अंदर यहाँ पर बंदे बैठे हुए हैं और पोर्ट्रेट बना के आपको दे सकते हैं। ये देखिए, बात करते हैं इनसे। दादा क्या हाल है, कितना लेते हैं आप पोर्ट्रेट बनाने का? 300। वेरी वेरी खूबसूरत यार। ये देखिए टूरिस्ट देखिए एंजॉय कर रहे हैं। अभी बारिश की बूंदें पड़नी शुरू हो चुकी हैं। आई होप ये व्लॉग मैं कंप्लीट कर पाऊँ। इट्स स्कल्पचर है, अच्छा है, पहली बार देख रहे हैं मैनमेड स्कल्पचर्स इतने अच्छे हैं, नॉर्मली नेचुरल्स होते हैं हर जगह यार, मतलब एवरीवेयर यू विल फाइंड सेल्फी पॉइंट। ये देखिए हम भी एक थंबनेल के लिए बनाए थे, आई होप थंबनेल के लिए अच्छा आया होगा। बस वेस्ट आइटम से जो बनाए हुए हैं वो सब बच्चों को दिखाने के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो पहाड़ भी कहीं जा रहा है, वो वहाँ पर भी लेके चलते हैं, पर पहले ये दिखा देता हूँ आपको ना। तो यह आर्टिफिशियल वाटरफॉल है, ये नेचुरल नहीं है। और आर्टिफिशियल यार क्या कैलकुलेशन की होगी। सेल्फी चल रही है दादा? बिल्कुल चल रही है सर। यार फैमिली के लिए ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पर धूप नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप ले आइए फैमिली को। धूप भी होगी तो चलेगा ना, दोनों साइड पहाड़ जैसा बना रखा है। तो अभी हम एक छोटी सी पहाड़ी से चलते हैं, आ जाओ। I like the natural thing, all the natural things which are. So you from Chandigarh? No, I'm from UP. पता चल गया कि क्या क्या चीजों को हम मिला के बना सकते हैं। हाँ। हर चीजों पे पैसा नहीं लगाना। क्या पोज़ है भैया? थैंक यू सर। यार अगर मेरे को लगता है कि अगर ये 1000 बंदे भी आ जाए ना, वो भी इतनी अच्छी कारीगरी नहीं बना सकते थे। डेंस फॉरेस्ट उसको इसमें तब्दील किया। सी सो अभी स्लिपरी, यहाँ पर स्लिपरी है थोड़ी सी। यार मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर लगा तो दी, बना भी ली, लेकिन इन चीज़ों को उठा के कैसे लाए होंगे उस टाइम पे, अजूबा सा है बेसिकली। देखिए तो यार हर जगह खूबसूरती ही खूबसूरती। और बेसिकली यहाँ पर टूरिस्ट बहुत सारे आए हुए हैं। शाम पड़ चुकी है और थोड़ी देर बाद ये रॉक गार्डन बंद हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं इनफैक्ट। मतलब जो जहाँ पर जो कुछ मिल रहा है बस कैप्चर कर लो, अपने पोजेस कैप्चर कर लो, और यही रॉक गार्डन की खासियत है। मतलब हर एक रास्ता दूसरे रास्ते से कनेक्ट कर रहा है और हर एक जगह सेल्फी पॉइंट्स आ रहे हैं। जल्दी जल्दी अरे मैडम तो अब हमारी वीडियो में भी आ गई। कोई बात नहीं मैडम तो दादी हमारे। अच्छा दादी हैं? हाँ। अरे लगते नहीं है मैडम, क्या बात करो सच्ची में। अरे मैंने तो सोचा स्वीट 16 इयर्स के हो यार आप। भैया आप यहाँ पर अगर सेल्फी पॉइंट्स गिनोगे तो तकरीबन 1000 से ऊपर ही मिल जाएंगे आपको सेल्फी पॉइंट्स। तो ये सारा वेस्ट है भैया, जो भी वेस्ट मटेरियल, पत्थर वत्थर, टॉयलेट की जो टाइल्स होती थी, इवन इलेक्ट्रिक स्विचेस, प्लेट्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो मैं आपको नाम भी नहीं ले सकता, उन सारी चीज़ों से इन्होंने बनाया हुआ। देखिए छोटे खड़े, ये तंग रास्तों से निकलकर कहाँ मंजिल लेकर जा रही है। ये पहाड़ पे जाके मैं संन्यास ले लूं मैडम? अभी ले लो यार, कैमरे के सामने बोल दो संन्यास लेना है आपने। रॉक गार्डन में क्या होता है कि जो लोग आते हैं संन्यास की बातें कर ही देते हैं। मैं संन्यास लेने वाला था लेकिन अभी प्लान चेंज। कैन यू आल्सो डू 18 साल हियर? तो यहाँ पर एक म्यूजियम है, तो म्यूजियम भी देख ही लेते हैं एग्जिट करने से पहले। सो आई वांट टू सी द म्यूजियम ऑल्सो। लड़कियों के लिए वैसे ही अच्छा ना, सेल्फी पॉइंट बहुत सारे मिले हैं। हाँ यार आपने सेल्फी नहीं खींची? खींची ना, टाइम कम है, ट्रेन है हमारा जयपुर का। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम क्या बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं झरना, ये चलता है कई बार और बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि फॉरेन में आ चुके हैं। तो यहाँ से पानी निकलता है बहुत ज़्यादा, और आज आई थिंक बंद कर रखा है इन लोगों ने। तो ये मज़ा आ रहा है। बेसिकली इसमें एक कट था कि आप स्टार्टिंग में एग्जिट कर सकते हैं, और एक है कि पूरा घूमो यार। तो आज घूमने का पूरा विचार है, और विचार है विचार है विचार है विचार है, इसीलिए घूमा जा रहा है, घूमा जा रहा है। ये देखिए भैया, मेरे फेवरेट पत्थर। हम लोग ग्वालियर से आए हैं। अरे वाह, अभी बॉम्बे, जयपुर, ग्वालियर, ग्वालियर बचा था। ऐसे हम लोग सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से भी हैं। 1 2 3 बज़ूका। देखिए यार, मज़ा आ रहा है। बेसिकली तो फटाफट आपको म्यूज़ियम घुमाए थे, तो म्यूज़ियम यहाँ से थोड़ी सी दूर है, और रॉक गार्डन घुमा रहे। बारिश तेज़ हो रही है, लेकिन क्या करें, आपको दिखाना है, ज़रूरी है। तो ये रहा भैया, ये इनका म्यूज़ियम रहा। ये देखिए, मेरे पीछे कैंटीन भी है, तो कैंटीन में खाना वाना खा सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं। और वहाँ पे पिंगे लेते थे ना, पिंगे झूले, मतलब वो भी ले सकते हैं। और फोटोग्राफ तो बेइंतहा। तो मैंने यहाँ पर एक प्री वेडिंग शूट भी किया था, उसका भी थोड़ी सी झलक देखूँगा अगर मेरी। तो थैंक यू जी, बड़ा मज़ा आ रहा है। और अब बैक टू एग्जिट, तो एग्जिट करते हैं फटाफट, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है। क्योंकि पता नहीं कि चंडीगढ़ का मौसम देखो, मौसम बहुत ही सेक्सी रहता है, हमेशा रहता है। और मेरे साथ ये है कि जब मैं व्लॉग कर रहा हूँ चंडीगढ़ में आजकल, तो बारिश आ जाती। और यहाँ पर कई बार कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, ये देखिए। तो ये स्टेज बनती है और आसपास लोग बैठते हैं, और बड़ा मज़ा आता है यार। मैंने यहाँ पर देख रखे हैं कॉन्सर्ट। फॉरेन टूरिस्ट ला 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 ला। ड्रिजलिंग आप मेरे ऊपर देखिए, अगर आपको दिख रहा होगा ड्रिजलिंग तेज़ हो चुकी है, बट हमारा जो साहस है वो ख़त्म नहीं हुआ। मेरे को यहाँ तो कैमरा अंदर डालना होगा या भागना होगा फटाफट एग्जिट पॉइंट की ओर पहुंचना होगा, और अपनी गाड़ी पकड़नी होगी और निकलना होगा। थोड़ा बहुत रिस्क ले रहा हूं मैं अपने कैमरे के साथ, तो लेना नहीं चाहिए वैसे। ये देखिए एग्जिट। एक सेल्फी हो जाए थंबनेल के लिए। ये देखिए, ये सब टॉयलेट टाइल से बनाया हुआ है। थोड़ा मेरे को जल्दी चलना पड़ रहा है, बिकॉज बारिश पड़ती जा रही है और कैमरा आधा तो भीग ही चुका है। चलिए भागिए। भाई गॉड, खत्म क्यों नहीं हो रहा। ये देखिए सांप। अब कहाँ जाएंगे? यहाँ या यहाँ? तो पुलिस वाले बैठे। अरे वाह। सो फाइनली एग्जिट में पहुंच चुका हूँ और बहुत मज़ा आया यार। आई होप आपने भी ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। बारिश पड़ रही है तो मैं यहीं पर क्लोजिंग कर देता हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा, आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। और भैया देखते रहिए बज़ूका वर्ल्ड। कीप व्लॉगिंग बज़ूका। इससे एक चीज़ सीखने को मिली इस ब्लॉग से, कि कोई भी चीज़ वेस्ट मत करो। हर वेस्ट की वही चीज़ से कुछ ना कुछ बन सकता है।